घर वालों से छुपा रिया है, मतलब फटपटी वाकई चोरी की है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और असद अहमद खान? असद अहमद खान को नहीं बताना है कि उसकी फटपटी तेरे पास कैसे पहुंची? हैं? अगर तूने फटपटी चोरी नहीं की तो असद अहमद खान की फटपटी तेरे पास कैसे आ गई? खुद बता दे, वरना बेटा हम उगलवाएंगे तो बाखुदा बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो आपको होगी ऑफिसर। आपके सीनियर से आपकी कंप्लेंट करूंगा। तू है कौन हमारे साहब से इस तरह बात करने वाला? क्या कोई मिनिस्टर है या सीएम है? कौन है तू? मैं एक जिम्मेदार सिटीजन हूं और इस नाते आपसे जवाब तलब करना मेरा हक है। आप इसे किस जुर्म में लाए? क्या चार्जेस हैं इसके अगेंस्ट? किस सेक्शन में बुक किया आपने इसे? नहीं पता। आप इसे अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा कानून करेगा। जब भी कोई शख्स अरेस्ट होता है, उस अरेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स को देनी होती है। क्या आपने ऐसा किया? अरेस्ट और इंटरोगेशन के दौरान जो ऑफिसर्स वहां मौजूद होते हैं उन्हें अपना नाम और डेजिग्नेशन पुलिस रिकॉर्ड में लिखना होता है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट है ही नहीं। अरेस्ट कंप्लेंट पे की जाती है, लेकिन यहां कोई कंप्लेंट हुई नहीं। तुम मेरा मतलब है कि आपको कैसे मालूम कि कंप्लेंट किसी ने नहीं की? क्योंकि मैं असद अहमद खान हूं। और ये बाइक मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। ये अरेस्ट नहीं है, अनलॉफुल कंफाइनमेंट है। बल्कि मैं तो कहता हूं इसकी वजह से आप पर असॉल्ट और किडनैपिंग के चार्जेस भी लग सकते हैं। और मैं आप सब के अगेंस्ट आप ही के थाने में कंप्लेंट दर्ज करूंगा। अब आप ये कंप्लेंट खुद दर्ज करना चाहेंगे या मैं एसएसपी को फोन करूं? देखिए, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरे थाने में आके मुझे ही धमका रही है। धमकी वो होती है जो पूरी ना की जाए। मैं जो बोलता हूं वो करता भी। वाकई अगर आपने अभी इसी बात से नहीं छोड़ा तो एक मिनट में आप खुद के खिलाफ एफआईआर लिख रहे होंगे। सोच लीजिए।
कानून मंत्री जी, इतना तो बताते जाओ आपकी फटफटी इसके पास क्या कर रही है, है? आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? आप कानून का हिसाब रखिए, लोगों को अपने रिश्तों का हिसाब खुद रखने दीजिए। अरे खाता तो अब खुला है असद अहमद खान साहब, हिसाब किताब तो अब शुरू होगा। बस बहुत हो गया, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। चलो इमरान, मैंने कहा चलो। आप इत्मीनान रखिए, आयान आता ही होगा, हम किसी और को भेज देंगे सामान मंगवाने के लिए। और बात इतनी बड़ी भी नहीं है हसीना भी, कि आप ऐसे एक रस्म से उठ कर चली जाए। अब आप किसी और को भेजेंगे, वो घंटों लगा के आएंगे। बुरा मत मानिएगा, मुझे ना आपके खानदान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हसीना ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हूँ रजिया, एक छोटी सी रस्म तो तुम लोगों से संभल ले रही, और इतने कम वक्त में निकाह की तैयारियां कैसे करोगे? मुझे तो लगता है इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। वैसे भी मैंने निखत का रिश्ता कबूल कर ना तुम लोगों पे एहसान किया है, और ऊपर से हसीना भी, हमारा बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा, हम सब परेशान हैं, हम आपसे अपने परेशानी में शरीक होने की उम्मीद तो नहीं रखते। कम से कम आप हमारी तकलीफ को समझ तो सकती हैं। हसीना भी, हमारे बच्चों का रिश्ता जुड़ने वाला है, आपका और हमारा घर एक होने वाला है। अयान आपका भी तो कुछ लगता है ना? तो आप कहना चाहते हैं कि मैं पत्थर दिल हूं, कसाई हूं, जो इनके बेटे के लिए मेरे दिल में जरा भी प्यार नहीं, यही कहना चाहते हैं ना आप? हसीना भी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। आप समझ ही नहीं रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं बेअकल भी हूँ, मुझे जरा अकल भी नहीं है। इमरान बेटा, आप मेरी और कितनी बेइज्जती कराओगे? चलो यहाँ से। पर अम्मी, वो रस्म तेरी अम्मी को जलील करने की रस्म हो गई, बेटी भरा तेरा। एक तो गाड़ी भी नहीं दी, इतना इंतजार कराया, चलो। नजर उतारने का सारा सामान आ गया है, रस्म शुरू की जाए। ख्याल रहे किसे चौराहे पे रखवाना बेहद जरूरी है। हाँ, शुक्र है निखत भाव की नजर उतर गई। और कहीं निखत भाव पे कोई बुरी नजर होती तो निकाह के बाद इनके साथ साथ वो भी हमारे घर चली आती।